मसला सारा रोटी दा जे टेढ़े ना होवे कोई ना रोवे ए मसला सारा रोटी दा ए मसला सारा रोटी दा ए भुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी ए दुनिया पजी फिर दिया जिंदगी च बड़िया थोड़ा ने बंदा ते मुकदा मुक जांदा पर मुकदिया ना कदे लोड़ा ने मजबूरी ऐसी चीज रब्बा बंदा रोल दिंदी चोटी दा। वाहेगुरु जी का खालसा जी वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सुखदेव सिंह सुखा जी राहों रोड तो मेरे नाल मेरी टीम आ सारी ते सानू दो चार दिन तो एक कॉल आ रही सी लोडू वाले पिंड चू केवल भाजी ने केवल बाबा जी कहंदे ने उन्हां नू उन्हां दा फोन आ रहा सी ते उह कह रहे कि वीरे इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरत आ लोगों नू और अज असी लंगर का प्रबंध करके अज इत्थे आए हाँ। साडी जिहड़ी कि पिछले दस दिन तो जिहड़ी सेवा आ परमानेंट चल रही है वह सेवा नू अज भी असी उदा ही निभा रहे हैं जिदा पहला निभा रहे सी तो उन्हां दी कॉल आने दे नाल सानू पता लगा कि इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरत आ ते अज उह जरूरत नू देखदिआं होइआं असीं इत्थे जिहड़ा लंगर आ उह लैके आए हैं वीर। सो साडी हैल्पलाइन नंबर ते तुहाडे चैनल दे माध्यम राहीं असीं इह चीज़ दसी सीगी कि किसी नू जरूरत आ तां साडे तक सानू फोन कर सकदा। सो उह अज फोन आया दो तीन वारी ते असीं उह लंगर आ जिहड़ा घर घर तक पहुँचाया। वाहिगुरु जी खालसा जी फतेह जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह खालसा। जिमें कि तुहानू पता ही है पिछले आप दस दिन तो लंगर जिम्मे चल ही रही है रूटीन अपनी जिदा मालक करवादा करी जाने पे पर मैं उन्होंने हेटर कहूँगा या उन्होंने लोगों को कहूँगा जो लंगर लाने तो बाद यही गल कहते कि जो लोड़ नहीं लंगर की या लोड़ नहीं हैगी योजे लोगों को देने जो वेस्ट करते हैं। मैं वही गल तो एग्री हाँ सरदार साहब बिल्कुल सही गल है जी लोड़ नहीं लंगर की लड़ नहीं योजे लोगों को देने की बट जो लंगर ने बहुत चिर तो चलते हैं आप कौन होंगे उन्होंने चलाने वाले ठीक है जी। कहते हैं ना कि जो आप लंगर बनाने तो आप सोच के बनाने कि आप गरीबों वास्ते भी है और जो लड़मंद और वास्ते भी है पर यह मतलब यह नहीं कि और कोई चंगे घर का खा नहीं सकता। जिहड़े बंदे नूं लोड़ है वह लंगर छके जिहड़े बंदे नूं नहीं लोड़ वह अपने घर बैठे ही है जी ठीक है जी। लंगर की बेअदबी करनी या लंगर सुटना यह तो वह मालक जानता वा किन्नी मुश्किल बनाई जाती है जमीन किन्नी मुश्किल कमाई जाती है तो जो वह होना वह हो ही जाना ना तो आप बदुआवा देनिया या गाला कढ़निया वो मैं लगता मैटर नहीं करता। एक जगह से दस दस बंदे जो लंगर वरताओगे तो वो वेस्टिंग तो होनी ही होनी है ना। मैं बेनती करूँगा एक बार कन्फर्म कर लिया करो पिंड तो बहुत बार बंदे तो या सरपंच तो कि इस जगह पर लंगर आ चुके हैं या कितने लोड़ है उत्थे दिता जाए असी मेहरबान राहों रोड से रहने वाले हैं। जिम्मे सू न्यूज़ के थ्रू ही पता लग्या कि सानू लोड़ हैगी सानू फोन आ गया कि पिंड लाडोवाल कि जो कि साडा एरिया नहीं पैंदा बट जिते पिंड लाडोवाल च कि लंगर की लोड़ हैगी है तो असं मौके पर हाजिर होए तो उत्थे देखा सच्ची बहुत लोड़ सी अज की रिक्वायरमेंट सी सानू 400 बंदे की 500 बंदे की बट असं 800 लैके आए बट हुण भी वो सारा समाप्ति होने वाला ही है। कोशिश यही रहेगी कि लंगर जिथे तक असी कर सकते असी करांगे बट मैं उन्होंने लोगों को फिर रोकूंगा जी टिकटॉक के गलत वीडियो प्रमोट बहुत जल्दी कर लेंगे ने जे लंगर लग रहे उन्होंने रोको ना चाहे 500 का भावे 1000 का भावे 2000 का लगते रहन दो। इस बारे सुखा जी कुछ कहना चाहते वीडियो वगैरह आ रही ने फेक सोशल साइटा से तुम देख रहे हो टिकटॉक आ जा किदा आ फेक वीडियो तो बचो कोई लंगर की बेअदबी हो रही है तो उत्थे लंगर डबल डबल जा रहा जिदा गुरप्रीत भाजी ने कहा कि मोहदवार बंदे पुछ लिया करो तो उन्होंने पूछने से कोई हर्ज नहीं है तुम पुछ के इन्हें जड़िया फेक न्यूज़ ने इन्हों तू बचो जी सेवा परमानेंट करते हो करते रहो तुम लगता जी टिकटॉक से लोगों ने मजाक बना रखता करोना वायरस का बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए है जिहड़े लोग गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं जां अज दा जिहड़ा माहौल आ इहनू खराब कर रहे हैं उन्हां लोकां ते जरूर प्रशासन वल्लों मंग करूंगा कि इन्हां ते सख्त तों सख्त कार्रवाई की जाए।